थैंक यू रब आई थैंक यू. मैं जानना यही चाहूंगा वही कॉमन सा सवाल कि पहला सेकंड बर्थडे जहां से शुरुआत हुई आज वहां से पहले सेकंड से आज आपने क्या क्या किया, बस वही कॉमन सा क्वेश्चन. भाई सबसे पहला सेकंड हमने बिताया मुंबई के NSCI स्टेडियम में जहां पर हमने सेमीफाइनल्स की होस्टिंग करी और अब फाइनल्स की होस्टिंग की तैयारी है. तो लोग जनरली कहते हैं यार पार्टी करनी है यार कहां जाएं, मेरे लिए तो स्टार स्पोर्ट्स ने खुद इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी जहां पर इतना बड़ा फेस्टिवल कबड्डी का फेस्टिवल खेला जा रहा है और अब फाइनल्स की तैयारी है. तो बर्थडे मेरा एक्सटेंड हो रहा 4 दिनों तक, तो अगला सीधे फाइनल्स की शाम को मुलाकात होगी जहां पर सुनने में ऐसा है अली खान, कटरीना कैफ, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये लोग सब आ रहे हैं. देखिए मेरी गेस्ट लिस्ट में काफ़ी बड़ा नाम है. वैसे तो एक होर्स ही मची रहती है, कभी भी किसी का बर्थडे आता है तो पहले मैं विश करूंगा. तो आपको सबसे पहले किसने विश किया? मुझे मेरा सबसे पहला विश मेरी माँ की तरफ से ही मिला एंड बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वो जनरली नींद से कभी उठती नहीं है. उन्होंने उठा है होटे हो तुम्हारा बर्थडे, खुश रहो सो जाओ. तो वैसे आप एक्सपेक्ट कहाँ से कर रहे थे कि यहाँ से पहला विश आएगा? मेरी उम्मीद हमेशा यही रहती है कि मेरी माँ की तरफ से ही मुझे बर्थडे विश मिलेगी. मेरे कलकत्ता में मेरा जो परिवार है उनकी तरफ से, मेरी नानी की तरफ से हमको बड़ा प्यार मिलता रहता है. मैं कभी पारिवारिक रहा नहीं हूँ, मैं हमेशा से एक बंजारा रहा हूँ, अपने घरों में कभी रहा नहीं, ना कलकत्ता रहा ना इंदौर रहा. तो इसलिए शायद परिवार को ज़्यादा प्रेम है, वो पलट पलट के आते रहते हैं कि भाई हम भी हैं. तो 2015 कितना इम्पोर्टेंस रखने वाला है आपके लाइफ में? वैसे तो ऑलमोस्ट ये खत्म ही होने वाला है लेकिन फिर भी अभी जो कुछ बचे हुए हैं वो कितना इम्पोर्टेंट? बेहतरीन, मेरे ख्याल से आने वाले 4 महीने और बढ़िया निकलेंगे. अभी तक 2015 मेरे लिए रंगमंच की दुनिया में बेहतरीन उपलब्धियां लेकर आया जहां पर मैंने पेरिस में परफॉर्म किया और एक पहला हिंदुस्तानी नाटक वहां पर फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए. एक आध्यात्मिक कार्यक्रम किया, धार्मिक कार्यक्रम किया नारायण नारायण, जिसमें हमने नारद मुनि की किरदार निभाया जिसके लिए मैंने अपनी मूछें तक मुंडवा दी थी जो कि बड़ा मुश्किल काम था साहब. और उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई. तो मेरे ख्याल से बैक टू बैक बैठने का समय नहीं मिला, लेकिन बेस्ट बात यह है कि यार मैं काम नहीं करता यार, मैं शौकीन आदमी हूँ, शौक पालता हूँ, शौक पूरे कर रहा हूँ. तो वैसे अभी इन सब प्रोजेक्ट्स के अलावा किसी फिल्म में दिखाई देने वाले हैं? जी हाँ, मेरी खुशी की बात है कि मेरे मित्र विवेक दास चौधरी की फिल्म दिल पतंग, जो कि मेरी पहली सोलो लीड फिल्म है, जो एक काफ़ी समय से अटकी पड़ी थी, उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है. सुनने में आया है कि 2016 के शुरुआती महीनों के अंदर वो रिलीज़ होगी. मेरी फिल्म रेबेलियस फ्लावर, जिसके डायरेक्टर कृष्ण हुडा मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, वो फिल्म ओशो रजनीश की जीवन पर आधारित है, वो फिल्म भी अब इटली जा रही है अपने फेस्टिवल्स के लिए. और मेरी खुद की कंपनी मंत्रमुग्ध और मेरे द्वारा निर्देशित फिल्में लोगों को पसंद आ रही है, फेस्टिवल्स में जीत रही हैं. तो मेरे ख्याल से अब जो रोल्स मुझे दुनिया नहीं ऑफर कर रही थी वो मैं खुद बना लूंगा यार. वैसे मंत्रा जी की अगर हम बात करें तो दो तीन लोग जो हैं इंडस्ट्री के, जो जैसे कि अभी बात चली आरजे आलोक की, जी जी, बात चली कॉमेडियन कपिल शर्मा की, जी जी, अभी हम उनको एक्टर भी बोल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी पहली फिल्म आई है. तो जैसे कि वो आपको गुरु मानते हैं, तो आप इंडस्ट्री में किन्हें गुरु मानते हैं? मैं कपिल शर्मा जैसे उस्तादों के सामने खड़ा होना कईयों के लिए मुश्किल रहता है. मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनको मित्र कह सकता हूं. और सही मायनों में आपने बिल्कुल सही पूछा, आवाज़ की दुनिया में अगर मैं किसी को उस्तादों का उस्ताद मानता हूं तो वो है जावेद जाफरी साहब, ब्रजेश हीर जी, जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है. वाचन, कहना, बोलना, ओरेटिंग स्किल्स, बोलने की जो कला है वो हर किसी को नसीब नहीं होती. ये कुछ लोग हैं, कबीर बेदी साहब, आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह, इन सबको मैं उस्तादों का उस्ताद मानता हूँ. कपिल की पहली फिल्म आ रही है, उसके लिए आप क्या ब्लेसिंग? किस किस को प्यार करूँ, बड़ी ही बेहतरीन. मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया है कपिल शर्मा का और उन्हीं का अंदाज देखने को मिल रहा है इस फिल्म के अंदर. वो इस वक्त ऐसे शख्सियतों में से एक हैं, वो जिसको छू देंगे वो सोना बन जाएगा. और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी और ऊपर से अब्बास मस्तान साहब का की छत्र छाया में बन रही है, तब तो और कुछ हट ही नहीं सकता. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स. जब से होश संभाला हूँ, जब से रेडियो सुनता आया हूँ, मैंने मंत्रा को सुना है और उनसे सीखा है और उनसे सीख सीख करके जो भी मैं छोटे शहर से मुंबई तक आया हूँ, इसमें मंत्रा का ही सबसे बड़ा हाथ है.
तो आपने कैसे विश किया उन्हें और किस तरह के आपने गिफ्ट दिया गुरु को, क्या क्या दक्षिणा दिया है? गुरु मेरे काफ़ी बड़े हैं, वो कह देते हैं तो वही मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैं हर साल ये कोशिश करता हूँ कि अगर 12 बजे बर्थडे विश हो तो मैं 11:50 11:55 पे फ़ोन कर देता हूँ ताकि सबसे पहले विश मेरी हो। और मैं मंत्रा सर को बहुत सारी बधाइयाँ ढेर सारी शुभकामनाएं हर साल दिल से देता हूँ। तो इस बार क्या आप सफल हो पाए 11:50? मैंने 11:52 पे उन्हें फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन उठाया और फिर उन्होंने बोला कि पार्टी भी होने वाली है। मैंने बोला पार्टी से पहले मैं विश करना चाहता हूँ, तो मैंने मंत्रा सर को फ़ोन किया, विश किया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया उनसे। मंत्रा सर के अंदाज में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, यू आर द बेस्ट। चलिए आप उनके लिए आपकी जैसे कि उनकी भी वॉइस बहुत ही अच्छी है, वैसे ही आप भी वैसे ही हैं, तो उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गाना गाएंगे आज बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच।